हेक्साडेसिमल वापस से आपका एक तरीका हो गया रिप्रेजेंटेशन का। ये रिप्रेजेंटेशन किनका करता है? डिजिट्स फ्रॉम 0 to 15। ठीक है, आई होप सबको आवाज आ रही है। अगर आवाज नहीं आ रही है तो लेट मी नो, धीरे कम क्या है तो बता देना मुझे उस हिसाब से। फाइन, यस। तो हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन क्या है आपका? अगेन 0 से 15 आप देखा है आपने। 0 से F तक हम बेसिकली बोलते हैं, ग्रुप्स ऑफ 4 नंबर्स टुगेदर रिप्रेजेंट एज बेस 16। तो हमने क्या किया, अब हमको और कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस को सॉल्व करना था। बेसिकली आप जो देख रहे हो कि हम बाइनरी से पहले आ गए डेसिमल पे, फिर डेसिमल के बाद हम आ गए ऑक्टल पे, अब हम आ रहे हैं बेस 16 विच इज हेक्साडेसिमल। क्यों आ रहे हैं हम? क्योंकि हमारे जो कॉम्प्लेक्सिटी है, जो प्रॉब्लम्स की, जो कैलकुलेशंस की, वो इंक्रीज हो रही है, और हमारे को जो रिप्रेजेंटेशन है वो डेसिमल में करना, ऑक्टल में करना कॉम्प्लेक्स इक्वेशन के लिए सफिशेंट नहीं है। ठीक है, तो इसलिए हम अब रिप्रेजेंटेशन जो करेंगे अपने कंप्यूटर लैंग्वेज में, कंप्यूटर सिस्टम में, वो किस में करेंगे? बेस 16 में। बेस 16 मतलब क्या हुआ, जो नंबर्स आप रिप्रेजेंट करने वाले हैं दैट इज विल बी इक्वल टू 0 से लेकर 15 तक। ठीक है, किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, देखो इस टेबल के अकॉर्डिंग अगर हम चलें तो इस टेबल के अकॉर्डिंग आपको रिप्रेजेंटेशन मैंने माइक्रो प्रोसेसर में भी बताया था। सिंपल रिप्रेजेंटेशन है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, अप टिल 9 तक वही रिप्रेजेंटेशन चलता है हेक्साडेसिमल और हेक्साडेसिमल और डेसिमल का। ठीक है, हेक्साडेसिमल में हम क्या करते हैं, जैसे ही 10 आता है उसको हम अब रिप्रेजेंटेशन देते हैं ABCD न्यूमेरिक नंबर्स से। ठीक है, जैसे ही 10 आ गया उसका रिप्रेजेंटेशन हो गया ए, 11 का बी, 12 का सी, 13 का डी, 14 का ई एंड 15 का एफ। तो हम बोल सकते हैं हमारा जो हेक्साडेसिमल है 0 से F और डेसिमल में वो 0 से 15 तक का। ठीक है, तो ये बेसिकली हेक्साडेसिमल का रिप्रेजेंटेशन है आपके। फाइन, यूजेस क्या है हेक्साडेसिमल के? अब देखो हेक्साडेसिमल का एक प्राइमरी यूज जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं वो ये है कि असेंबली लैंग्वेज में हेक्साडेसिमल कन्वर्जन्स, हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशंस ही यूज में लिए जाते हैं। ठीक है, क्यों हम यूज में लेते हैं हेक्साडेसिमल कन्वर्जन्स रिप्रेजेंटेशंस ही क्यों लेते हैं हम असेंबली लैंग्वेज या बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में? देख लीजिए, हेक्साडेसिमल नंबरिंग सिस्टम इज ऑफन यूज्ड बाय प्रोग्रामर्स टू सिंप्लीफाई द बाइनरी नंबरिंग सिस्टम। सिंस 16 इज इक्विवेलेंट टू 24, देयर इज अ लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन द नंबर्स ऑफ 2 एंड 16। दिस मीन्स दैट वन हेक्साडेसिमल डिजिट इज इक्विवेलेंट टू 4 बाइनरी डिजिट्स। कंप्यूटर यूज बाइनरी नंबरिंग सिस्टम वाइल ह्यूमंस यूज हेक्साडेसिमल नंबरिंग सिस्टम टू शॉर्टन बाइनरी एंड मेक इट ईजियर टू अंडरस्टैंड। ठीक है, बेसिकली क्या कहना चाह रहे हैं कि कंप्यूटर्स तो बाइनरी नंबर सिस्टम 0101 का ये पर्टिकुलर फॉर्मेट यूज करते हैं, और ह्यूमंस को हेक्साडेसिमल नंबरिंग सिस्टम समझ आता है। ह्यूमंस को हेक्साडेसिमल नंबर क्या, हमने क्या किया, उनको 4 4 के इक्वल ग्रुप्स में डिवाइड कर लिया है। ठीक है, हेक्साडेसिमल में हमने क्या किया है, हमने जो भी बाइनरी नंबरिंग सिस्टम थी उनको हमने कुछ स्पेसिफिक ग्रुप्स में 4 4 की बाइनरी डिजिट्स में ग्रुप कर लिया है 4 4 की बाइनरी डिजिट्स में, और हम उन ग्रुपिंग्स के अकॉर्डिंग अब रिप्रेजेंटेशंस करने वाले हैं। ठीक है, बेसिकली अगर हम इसका लॉजिकल रीजन देखें तो जो 16 के मल्टीपल्स हैं 24, ठीक है, 2 के जो मल्टीपल्स हैं वो एक ग्राफ में अगर पुट करोगे तो लीनियर फॉर्मेट में आएंगे, और ये लीनियर फॉर्मेट आपके कोई भी कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स इक्वेशन को आसानी से आप इस रिप्रेजेंटेशन से सॉल्व कर सकते हो लीनियर फॉर्मेट से। ठीक है, अगर आपका ग्राफ ग्राफ जो क्रिएट होता वो थोड़ा बाउंडेड क्रिएट होता तो हम कह सकते थे कि हमारा ग्राफ बाउंडेड है तो हम रिप्रेजेंटेशन प्रॉपर नहीं कर सकते इस नंबरिंग सिस्टम से, लेकिन आपके हेक्साडेसिमल नंबरिंग सिस्टम से लीनियर ग्राफ क्रिएट होता है, उस लीनियर ग्राफ की वजह से आप हम बोल सकते हैं हेक्साडेसिमल इज इक्विवेलेंट टू 4 बाइनरी सिस्टम, एंड आपके हेक्साडेसिमल आपके न्यूमेरिक जो बाइनरी सिस्टम है, जो कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज है, उसका प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन है, ताकि ह्यूमंस कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड दैट पर्टिकुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ बाइनरी कोड। ठीक है, हेक्साडेसिमल क्या होते हैं ये देख लिया, अब देख लेंगे कन्वर्जन्स कैसे कैसे कर सकते हो आप। तो सिंपल है, हेक्साडेसिमल नंबरिंग सिस्टम इज ऑफन, ये हो गया हमारा प्रोग्रामर्स हम सॉल्व करते हैं, ये आपको चीज याद रखनी है। 9 से जैसे ही आप 10 पे आते हैं वैसे ABCD से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए 00 डेसिमल का इसका बाइनरी कोड क्या है, 00, राइट, इसका क्या है बाइनरी कोड 01, इस पर्टिकुलर का क्या है बाइनरी कोड 10। ठीक है, ऐसे आपको आप फ्रीक्वेंटली करोगे तो आपको याद हो जाएंगे।
अब हमने बोला है कि बाइनरी कोड को हमको हेक्साडेसिमल में रिप्रेजेंट करना है, ठीक है? तो हम बोलते हैं कि बाइनरी हेक्साडेसिमल कन्वर्जेंस क्या, हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बाइनरी नंबर क्या होता है, ग्रुपिंग ऑफ फोर नंबर्स, ठीक है, इज इक्विवेलेंट टू ग्रुपिंग ऑफ फोर डिजिट्स, बाइनरी डिजिट्स। तो यहाँ पे हमने बोला है 00, तो हम क्या करते हैं इसको, ये तो टू डिजिट्स का ही है, तो हम आगे दो जीरो और ऐड कर देते हैं, तो ये आपका जीरो का बाइनरी कोड हो गया, 0000, ठीक है। ऐसे ही वन का बाइनरी कोड क्या है, 01। अब हेक्स, इस वन हेक्स कोड, हेक्स नंबर का बाइनरी कोड क्या हो जाएगा, 01 तो है ही, आगे हमने इसको ग्रुपिंग ऑफ फोर को रिप्रेजेंट करने के लिए आगे हमने दो जीरो और लगा दिए, ठीक है। ऐसे ही हेक्स कोड है आपका टू, अब इसका बाइनरी, ये तो डेसिमल थे राइट, अब हम बाइनरी की बात कर रहे हैं, बाइनरी नंबर्स तीन टाइप्स के होते हैं ना, बाइनरी, डेसिमल, ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल, ठीक है, फोर टाइप्स के। ओके, अब इसके आ जाते हैं टू का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन। 10 तो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन होता है, लेकिन हमको हेक्साडेसिमल को रिप्रेजेंट करना है, दैट मीन्स वी यू नीड टू रिप्रेजेंट ग्रुपिंग ऑफ फोर बिट्स। ओके, तो हम आगे इसके 00 और ऐड कर दिया, तो ये है आपका प्रॉपर बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ हेक्साडेसिमल नंबर्स। ओके, ठीक है, तो इधर यही बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। ऐसे ही थ्री की ले लीजिए, 11 है, थ्री का वन बाइनरी डेसिमल बाइनरी रिप्रेजेंटेशन 0011 हो जाएगा, फाइन। सिंपल, आपको क्या करना है, आपको उस हेक्स कोड की बाइनरी वैल्यू के आगे अगर मैक्सिमम फोर बिट से कम है तो आगे जीरो लगा दीजिए, और फोर बिट्स हैं तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, फोर फोर की ग्रुपिंग कर लीजिए, ठीक है। आ जाते हैं हम कन्वर्जन्स पे, कन्वर्जन्स हमने लास्ट क्लास में नहीं देखा था, ठीक है। कन्वर्जन्स आपका कैसे, सबसे पहले अपन कन्वर्जन लेते हैं सिंपलेस्ट, हेक्साडेसिमल को डेसिमल में कन्वर्ट करने का प्रोसेस, ठीक है। बहुत सारे तरीके हो सकते हैं स्टूडेंट्स, हेक्साडेसिमल को एक सम, पावर ऑफ सम है, एक एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन मेथड है, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। हम पावर ऑफ सम, सम ऑफ पावर्स, ये वाला प्रोसेस ले रखे हैं, ये वाला मेथड यूज़ कर रहे हैं कन्वर्जन के लिए, तो हम यही मेथड यूज़ करेंगे। फर्स्ट मेथड है, फर्स्ट है आपके पास हेक्साडेसिमल को किस में कन्वर्ट करना है, हमको हेक्साडेसिमल की वैल्यू को कन्वर्ट करना है इंटू डेसिमल वैल्यूज, ठीक है। हेक्साडेसिमल को किस में कन्वर्ट करना है, इनटू डेसिमल वैल्यूज। सिंपली कैसे कन्वर्ट करोगे, फॉर एग्जांपल आपके पास नंबर है 313107, ठीक है। तो हम जब भी अपने पर्टिकुलर केड में इन्वर्टेड प्रोसेस में चलते हैं, तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे, फाइन। तो सिंपल मल्टीप्लाई करिए सेवन, अब किसकी मल्टीप्लाई करनी है, बेस वैल्यू को, ठीक है। अब बेस वैल्यू है आपके पास 16, ठीक है, क्योंकि 16 को कन्वर्ट करना है, वहां पे जो भी बेस वैल्यू होती है ना उससे मल्टीप्लाई एंड डिवीजन होता है, तो यहाँ पे बेस वैल्यू क्या है, 16, तो 7 को मल्टीप्लाई किया हमने 16 की पावर 0 से, ऐड कर दो, 0 को मल्टीप्लाई करो 16 की पावर 1 से, ऐड कर दीजिए इसकी वैल्यू किसके साथ में, 1 को मल्टीप्लाई किया 16 की पावर 2 से, इसकी वैल्यू ऐड कर दी हमने 3 को मल्टीप्लाई किया 16 की पावर 3 से, ठीक है। इन सब की वैल्यूज जो भी आएंगी उनको ऐड करना है, तो यहाँ पे यही करा है, 7 को मल्टीप्लाई किया 16 की पावर 0 से, हमेशा राइट टू लेफ्ट प्रोसेस में चलना है, ठीक है। जो आपके पास मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट पे जो होगा वो सबसे पहले मल्टीप्लाई किया जाएगा ऑफ फर्स्ट पार, ठीक है, और फर्स्ट पार है 16 की पावर 0, हमेशा राइट बिट को मल्टीप्लाई करना, ऐसे मत कर देना कि 3 को आप मल्टीप्लाई कर दिया 16 की पावर 0 से और आप इसको इस इंक्रीमेंट ऑर्डर में चल रहे हैं, फाइन। ये याद रखना है कि आपको राइट बिट को सबसे पहले मल्टीप्लाई करना है, ओके। 16 की पावर 7 को मल्टीप्लाई करा 16 की पावर 0 से, उसके सेकेंड बिट को मल्टीप्लाई किया 16 की पावर 1 से, अच्छा ये पार में नहीं है, बेसिकली पार ही है, ठीक है स्टूडेंट, जो 16 की पावर 1 है, ये 16 की पावर 2 एंड 16 पावर 0, राइट, ब्रैकेट में, इसका मतलब ये नहीं है, आई थिंक रिप्रेजेंटेशन में कुछ प्रॉब्लम है। और थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर, फोर्थ बिट है 3, तो 3 को हमने कर दिया रिप्रेजेंट 16 की पावर 3 से, ठीक है, इन 16 की मल्टीप्लाइड बाय 16 की पावर 3, फाइन। अब देख लीजिए एनीथिंग डिवाइडेड बाय 16 की पावर 0 से कुछ भी डिवाइड होगा तो वो 16 की पावर 0 इज 1, ठीक है, ये आपके पास टर्म चली गई 1, तो 7 इंटू 1 इज 7, हमने 7 लिख दिया। अब 0 से आप कुछ भी मल्टीप्लाई करोगे तो वो 0 ही आएगा, राइट, कुछ भी चीज़ को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा, प्लस 0, 16 की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 दैट इज 256, एंड 16 की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 दैट इज 12288,
फाइनली इन सारी टर्म्स को, इन सारे डिजिट्स को, हमको जो भी पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन आया है इसको ऐड कर दीजिए. यू विल गेट द नंबर 12551100. दैट विल बी योर डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर हेक्साडेसिमल कोड. ठीक है, अब यहाँ पे आप देख रहे हो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन इज 1 2 3 4 5 6 7, 7 डिजिट्स का है आ रहा है, और हेक्स कोड सिर्फ 4 डिजिट्स का आ रहा है. तो यही डिफरेंस है कि आपका जो भी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन है वो बड़ी से बड़ी जो पावर है, बड़ी से बड़ी जो डिजिट्स है, उसको हम हेक्साडेसिमल कन्वर्जन में कन्वर्ट करके उसको रिप्रेजेंट करते हैं. वो आसान रहता है यूजर के लिए भी समझने में, और कोई भी कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को, नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए. ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, तो ये हो गया आपका हेक्साडेसिमल टू डेसिमल कन्वर्जन. नेक्स्ट यू विल हैव इज, अब उल्टा देख लेते हैं कि डेसिमल को कैसे कन्वर्ट किया जाएगा. यस, पहले अपन देखेंगे कि हेक्साडेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट कैसे करेंगे और हेक्साडेसिमल को डेसिमल में कन्वर्ट कैसे करेंगे. फिर हम देखेंगे कि बाइनरी को हेक्साडेसिमल में कैसे करेंगे और डेसिमल को हेक्साडेसिमल में कैसे करेंगे, वाइस वर्सा. ठीक है, दोनों प्रोसेस देख लेते हैं. तो अभी हमने देखा कि हेक्साडेसिमल को डेसिमल में कन्वर्ट कैसे करना है. तो सिंपल मेथड है हेक्साडेसिमल को डेसिमल में कन्वर्ट करने का, आपको मल्टीप्लाई करनी है उसकी बेस वैल्यू. अब मैं आपको बोलूँ अगर कि आपको कोई भी कोड दे, जैसे यही मान लीजिए 3107. अब इसको आपको कन्वर्ट करना है इनटू बाइनरी फॉर्मेट. ठीक है, इसको क्या करना है, आपको कन्वर्ट करना है इनटू बाइनरी फॉर्मेट. तो आपको देखो बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए ना मल्टीपल तरीके हैं कि पहले आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट कीजिए और फिर उसको बाइनरी में कन्वर्ट कीजिए. ओके, इजिएस्ट वे जो है इसका मैं आपको बता दूंगी दोनों ही. ठीक है, इजिएस्ट वे जो है आपका सिंपल क्या कीजिए, कोई भी कोड नंबर है, जैसे मैंने आपको बताया कोई भी आपके पास नंबर है जैसे 3107 हेक्साडेसिमल में है. फाइन, अब ये हेक्साडेसिमल में नंबर्स में हमको क्या कर सकते हैं, हम हर एक नंबर का बाइनरी कोड लिख दें तो वो आपका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑटोमेटिकली हो जाता है. राइट, तो हमको क्या करना होगा, कन्वर्जन्स कैन बी डन कन्वर्टिंग ईच हेक्साडेसिमल डिजिट टू 4 डिजिट बेस्ड ऑन फॉलोइंग बेसिस. ठीक है, आपको क्या करना है, सिंपल हर एक नंबर का बाइनरी कोड निकालो और उसको अगर वो 4 डिजिट्स में है तो आपको उसको 4 डिजिट्स में रिप्रेजेंट करना है, और अगर नहीं है, 4 डिजिट से कम का रिप्रेजेंटेशन है, तो आगे उसके 0 0 ऐड कर सकते हैं, कितने भी जीरो, जितने भी जीरो आपको रिक्वायर्ड होंगे. फाइन, तो इस तरीके से हर एक कोड जैसे 3173, ठीक है, तो 3 का बाइनरी कोड लिख दीजिए. 3 का बाइनरी कोड वी हैव इज 0011. ठीक है, देन कम 1 का बाइनरी कोड, 1 का बाइनरी कोड लिख दे अगर हम 0000. ठीक है, फिर आता है 7 का बाइनरी कोड, 7 का बाइनरी कोड क्या है हमारे पास 0111. फाइन, देन फाइनली हम 3 का बाइनरी कोड 0111. तो ये हो जाएगा आपके पास नंबर ऑफ योर हेक्साडेसिमल नंबर को हमने डायरेक्टली कन्वर्ट कर दिया इनटू बाइनरी फॉर्म. ठीक है, आपको सिंपल क्या करना है, इनके नंबर्स का रिप्रेजेंटेशन याद रखना है. अब 3 है, 3 को आपको बाइनरी में कोड में कन्वर्ट करना है, तो आप कैसे कन्वर्ट करते हैं, देखो अगर ऐसे फॉर्मेट याद नहीं हो रहा है तो आप इसको डिवीजन करके भी इसका बाइनरी नंबर क्रिएट कर सकते हो. फाइन, 3 बेसिकली क्या है, डेसिमल नंबर है. अब डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना सबको आता है. हम सिंपल क्या करेंगे, क्वेश्चेंट 1 रिमाइंडर, ठीक है, फिर 2 आपके पास 0 1 0 1 1, ये आपके पास कोड हो गया. ओके, ठीक है, तो इस तरीके से सिंपली हम रखेंगे, ये रहा आपका 011. ठीक है, अब ये 011 3 डिजिट्स का है. राइट, 011 आपके पास क्या हो गया, 3 डिजिट्स का कोड हो गया. तो हमने इसको 4 रिप्रेजेंटेशन करने के लिए आगे एक जीरो और ऐड कर दिया, क्योंकि अगर हमको इसको 4 में रिप्रेजेंट करना था, सिंपल. ओके, अब इन नंबर्स को आप इक्विवेलेंट कर दो, इन नंबर्स को साथ में लिख दो, जो भी आपके पास हेक्साडेसिमल कोड नंबर प्रोवाइडेड है उसका बाइनरी कोड्स लिखिए, उनको 4 बिट्स में, 4 ग्रुपिंग में प्रोवाइड कीजिए, 4 ग्रुपिंग में रिप्रेजेंट कीजिए और सबको कंबाइन करके लिख दो. तो दैट विल बी योर कन्वर्जन टू हेक्साडेसिमल टू बाइनरी. ठीक है, ये आपने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा है. ठीक है, तो इसके सारे एग्जाम्पल्स आपने देखे होंगे.
आई विल रिकमेंड कि जो भी आपके पास नोट्स हैं, अगर कोई भी एग्जाम्पल्स का मटेरियल है जिसमें से प्रैक्टिस हो सके, ठीक है, अगर है आप लोगों के पास तो प्लीज उनको प्रैक्टिस करना, ये सारे कन्वर्जन्स को फिर से, कौन सा कन्वर्जन डेसिमल में बाइनरी में कैसे जाएगा, बाइनरी ऑक्टल में कैसे जाएगा, हेक्साडेसिमल बाइनरी में कैसे आएगा और हेक्साडेसिमल आपके डेसिमल में कैसे रिप्रेजेंट होगा, ठीक है, ये सारे कन्वर्जन्स प्रैक्टिस कर लेना, ताकि प्रैक्टिस करके ही ये कन्फ्यूजन क्लियर होती है कि कौन से प्रोसेस में क्या चीज़ लगती है. ओके ठीक है, तो और अगर नहीं है मिल रहा है प्रैक्टिस मटेरियल तो लेट मी नो, आई विल प्रोवाइड दैट. ठीक है, मैं आपको कुछ क्वेश्चंस कन्वर्जन्स के प्रोवाइड कर दूंगी जिसमें आपके ये बेसिक कन्वर्जन्स अवेलेबल होंगे और आपको प्रैक्टिस कर लेनी है उसमें, तो ताकि आपको फेमिलियर हो जाएगा. ओके ठीक है, जैसे मैंने आपको बोला था हेक्साडेसिमल्स में ना 9 के बाद जो नंबर्स आते हैं लाइक 10, 11, 12, 13, 14 एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो रिप्रेजेंट किए जाते हैं ए बी सी डी से. ठीक है, तो अब मैं आपको अगर बोल दूं कि आपके पास कोड है 3B29, ठीक है, 3B29, फाइन, ये आपके पास नंबर है और इस नंबर को आपको बाइनरी में रिप्रेजेंट करना है. बाइनरी में रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम, हमें पता है 3 का नंबर क्या है, 011 अभी देखा है हमने, लेकिन हमको इसको बाइनरी हेक्स नंबर है हमको प्रोवाइडेड है कि कौन सा नंबर है, हेक्साडेसिमल, ठीक है, हेक्स नंबर है तो हमको बाइनरी में रिप्रेजेंट करने के लिए 4 बिट्स मैंडेटरी हैं. एक हेक्स नंबर आपके बाइनरी में 4 बिट्स लेके, बाइनरी डिजिट्स की 4 बिट्स को ऑक्यूपाई करता है. ओके ठीक है, तो 4 बिट्स है, 0113 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ए 3 थी तो हमने 1 बिट ऐड कर दी 4 बिट्स बनाने के लिए, तो 3 का रिप्रेजेंटेशन हो गया 0011, फाइन. नाउ बी, बी इज व्हाट, बी इज 11, तो 11 का बाइनरी नंबर, फाइन, 11 का बाइनरी नंबर आप, अगर आपको याद नहीं है तो आप इसको 11 के बाइनरी नंबर को क्रिएट भी कर सकते हो, निकाल भी सकते हो, ठीक है, सिंपल 2 के फॉर्मेट से, डिवीजन के फॉर्मेट से हमने इसको मल्टीप्लाई डिवीजन किया, रिमाइंडर बच गया 2, 1 बच गया रिमाइंडर, फिर वापस से डिवीजन किया रिमाइंडर बचा 1, फिर वापस से हमने इसका रिमाइंडर किया रिमाइंडर बचा 0, एंड फिर वापस हमने इसका रिप्रेजेंटेशन, तो इसका ये हो गया आपका 1011. ठीक है, नीचे से ऊपर हमेशा जो भी रिप्रेजेंटेशन होता है वो बॉटम से अपवर्ड मोशन में होता है, तो इसका रिप्रेजेंटेशन हो गया 1011. तो 11B इज इक्वल्स टू 11 हमें पता है, तो हमने 11 का बाइनरी कोड निकाल दिया विच विल बी 1011, ठीक है, विच विल बी 1011, फाइन. 2 का बाइनरी कोड यू ऑल नो, ठीक है, अब 2 का बाइनरी कोड याद ही रख लेना, इट्स बेटर, इट विल बी गुड फॉर यू ऑल. और 9 का बाइनरी कोड भी इसी तरीके से आप निकाल लेंगे डिवीजन से, तो दैट विल बी 1001. ठीक है, तो आपका जो हेक्साडेसिमल जो नंबर है 3B29, इसका हेक्साडेसिमल को हमने डायरेक्टली कन्वर्ट कर दिया इनटू बाइनरी फॉर्म विदाउट कन्वर्टिंग इनटू डेसिमल. ठीक है, तो हमने इसको डेसिमल में डायरेक्टली कन्वर्ट करके हमारे पास जो फाइनल आंसर है 3B29 का बाइनरी वो ये रहा. इसमें हमने 4 4 बिट्स की ग्रुपिंग प्रोवाइड करी है, 4 4 बिट्स की ग्रुपिंग करी है. ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, तो दिस वॉज योर कन्वर्जन ऑफ हेक्साडेसिमल नंबर टू बाइनरी नंबर. नेक्स्ट पे बढ़े हम आगे, किसी को कोई डाउट है अभी तक तो पूछ लीजिए. ओके चलिए, आज आपका टेस्ट भी है तो आ जाते हैं अपन नंबर सिस्टम्स पे. नंबर सिस्टम नेक्स्ट है आपके पास, देखो हेक्साडेसिमल कन्वर्जन्स हमने देख लिए या आपने पढ़ा हुआ है, इसलिए हम थोड़ा स्पीडली कर रहे हैं, बाकी ऐसा कुछ वो भी नहीं है इसके, बस आपको एग्जांपल्स अब देखना है. मैं आपको सबका कंसेप्ट वापस से याद दिला रही हूँ, ठीक है, आपको एग्जांपल्स इसके वापस से स्टडी करने हैं, सबके एग्जांपल्स स्टडी कर लो, सबके एग्जांपल्स को प्रैक्टिस कर लोगे तो आपका ये कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, फाइन. अभी ये जो तो अभी तक जो हमने कन्वर्जन्स देखे वो हमने हेक्साडेसिमल के देखे कि हेक्साडेसिमल को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट किया जाता है और हेक्साडेसिमल को किस में सॉरी डेसिमल में कैसे कन्वर्ट किया जाता है और हेक्साडेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट कैसे किया जाता है, ठीक है. अब अगर मैं आपको बोलूं कि मेरे को अगर बाइनरी नंबर दे दिया, मेरे को अगर बाइनरी कोई नंबर प्रोवाइडेड है और उसको मुझे हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है, इसका वाइस वर्सा, ठीक है, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी तो हमने स्टडी कर लिया, अगर बाइनरी को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है
तो सिंपली आप कैसे कर सकते हो? इसके भी आपके पास दो तरीके हैं, एक तो ग्रुपिंग का तरीका है, ठीक है, या फिर आपको डायरेक्ट कन्वर्ट करना है तो डायरेक्ट कन्वर्ट कर सकते हैं, नहीं डायरेक्ट करना है तो इसको स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि देखो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन और हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन में एक और स्टेप आती है विच इज डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो पहले आपको इस हेक्स कोड को डेसिमल कोड में रिप्रेजेंट करना है, फिर इस डेसिमल कोड को आपको रिप्रेजेंट करना है इनटू बाइनरी फॉर्म। ओके, कैसे करेंगे हम सिंपल रिप्रेजेंट? तो सबसे पहले हम इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लेते हैं हेक्स कोड को, ठीक है। अभी तो किस में हम बाइनरी, अगर बाइनरी से जाना है तो अगेन बाइनरी को पहले डेसिमल में कन्वर्ट कीजिए और डेसिमल को फिर से आप हेक्स कोड में कन्वर्ट कर लीजिए, ठीक है। इस ये तरीका भी है, नहीं तो डायरेक्ट आप ग्रुपिंग के फॉर्मेट से भी कर सकते हो। ग्रुपिंग का मेथड मैं आपको नेक्स्ट मेथड बताऊंगी, मैं आपको दोनों मेथड बता रही हूँ कि इनकेस जो भी मेथड याद आए उस मेथड से आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, कन्वर्जन्स परफॉर्म कर सकते हैं, फाइन। या आपके पास एक बाइनरी नंबर आपको प्रोवाइड करा दिया गया 1101010, ठीक है, इसको किस में कन्वर्ट करना है आपको? हेक्साडेसिमल नंबर में। अगर ग्रुपिंग मेथड यूज नहीं करना है तो एक मेथड है आपके, पहले इस बाइनरी कोड को किस में कन्वर्ट कीजिए? डेसिमल में, और फिर उस डेसिमल कोड को आप हेक्स कोड में कन्वर्ट कर लीजिए। अब डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो हम सबको आता ही है, सिंपल आपको क्या करना है, उसको मल्टीप्लाई करना है उसकी बेस वैल्यू से। तो आपके पास है, मैं क्लियर करके इधर कर लेती हूँ, आपके पास है 1101010, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जीरो को मल्टीप्लाई करेंगे 2 की पावर 0 से, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 की पावर 1 से, 2 की पावर 2, इसको हमने मल्टीप्लाई किया 2 की पावर 3, दिस इज मल्टीप्लाइड बाई 2 की पावर 4, दिस इज मल्टीप्लाइड बाई 2 की पावर 5, एंड लास्ट 1 इज मल्टीप्लाइड बाई 2 की पावर 6, ठीक है। ये सब के ये जो भी मल्टीप्लिकेशन हमने किया, इन सब की वैल्यूज क्या हो जाएंगी? ऐड हो जाएंगी, फाइन। अब जो भी जीरो जीरो वाले हैं ये तो कल नलिफाइड ही हो जाएंगे, जीरो जीरो वाले तो हट ही गए, ठीक है। आपके पास कौन से बचे? 2 की पावर 6 इज 64, 2 की पावर 5 इज 32, देन 2 की पावर 3 इज 8, एंड 2 की पावर 1 इज ओनली 2। तो ये सारी वैल्यूज ऐड होके आपके पास हो गया 106। दिस इज योर डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर नंबर, ठीक है। बाइनरी का हमने क्या कर दिया, पहले डेसिमल रिप्रेजेंटेशन लगा लिया। डेसिमल रिप्रेजेंटेशन करने के बाद में अब आपको क्या करना है, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन को अब आप इसको हेक्स कोड में कन्वर्ट कर लीजिए, हेक्स कोड विच इज बेट 16 वैल्यू। बेट 16 के लिए वही वाला प्रोसेस, आपके पास है नंबर 106, ठीक है, 106। तो आपने हमने सिंपल क्या किया, अब बे 16 के लिए हमको अपने हेक्साडेसिमल नंबर, सॉरी बाइनरी नंबर, डेसिमल नंबर को हमको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। डेसिमल नंबर्स को हमने हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट किया तो 10 को तो हमने कर दिया, दिस इज एक्चुअली रिप्रेजेंटेशन रॉन्ग है, 6 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 16 की पावर 0 से, एंड 10 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 16 की पावर 1 से। तो ये वाइस वर्सा लिख गया है, लिख दिया है यहाँ पे, ये बेसिकली ऐसा है, सबसे पहले 10 इज मल्टीप्लाइड बाय 16 की पावर 1 प्लस 6 इज मल्टीप्लाइड बाय 16 की पावर 0, ठीक है। तो मैं इसको भी एडिट करके आपको सेंड कर दूंगी फाइल, वापस से रीसेंड अपलोड प्रीवियस फाइल को अपडेट करके वाली फाइल अपडेट कर देंगे, हल्का सा यहाँ पे एरर है तो ये एरर हो जाएगा। तो 16 की पावर 0, तो 16 की पावर 0 6 हो गया सिंपली, और 10 की पावर 16 की पावर 1, तो 10 का रिप्रेजेंटेशन हम देते हैं ए से, राइट। ये तो हो गया आपका 16 की पावर 6 एज इट इज, 10 का हम देते हैं ए से, तो हमने हेक्सा कोड आपका जनरेट हो गया 6A, ठीक है। यहाँ पे दो तरीके हैं, एक तो तरीका ये हो गया कि आपके पास एक बाइनरी नंबर है उसको पहले डेसिमल में कन्वर्ट कीजिए, डेसिमल के बाद आप उसको हेक्स कोड में कन्वर्ट कर लीजिए। नहीं, ये नहीं करना है आपको, ग्रुपिंग मेथड यूज करना है तो हम ग्रुपिंग मेथड भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। ग्रुपिंग मेथड क्या है, बेसिकली वही जो चीज मैंने आपको पहले बताई, 4-4 के ग्रुप्स में आप इसको डालिए, 4-4 के ग्रुप में कन्वर्ट करने के बाद, ग्रुप करने के बाद आपको सिंपली उस पर्टिकुलर ग्रुप का आपको हेक्स कोड लिखना है, ठीक है। हमें पता है अगर हेक्स कोड आपको याद नहीं हुए हैं, याद करने हैं एनी हाउ, ये उसकी पर्टिकुलर टेबल है, यस सॉरी, यस
हेक्स कोड की टेबल्स हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, और 9 के बाद हमको पता है ए बी सी डी ई एफ आ जाते हैं 15 तक रिप्रेजेंटेशंस, ठीक है। अब 0 का बाइनरी कोड, अब आपको 4-4 फॉर्मेट, 4 बिट्स फॉर्मेट में हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। 2 बिट्स फॉर्मेट में नहीं है ये, 4 बिट फॉर्मेट में रिप्रेजेंटेशंस हैं। क्यों? क्योंकि कोई भी बाइनरी नंबर 4 बिट के ग्रुप में हेक्साडेसिमल को रिप्रेजेंट करता है। ओके, ठीक है। तो ये 4-4 के फॉर्मेट में, 2 को हमने बोला 0010, 3 को बोला 0011, ठीक है। 4 आपका हो गया 0011। अच्छा, ये अगर आपको ट्रिक नहीं पता है तो लेट मी टेल यू, हम सिंपली ऐसे भी कर सकते हैं कि अगर आपको हर पर्टिकुलर नंबर के लिए, लाइक 7 है, ठीक है, इसलिए शॉर्ट ट्रिक है बेसिकली, लाइक 7 है, इसको आपको बाइनरी में रिप्रेजेंट करना है, तो आपने क्या किया, एक तरीका तो ये, आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई करके आप इसको मल्टीप्लाई कर करके इसका एक नंबर जनरेट करेंगे, बाइनरी नंबर। और एक तरीका है कि आप ना इसकी डायरेक्ट टेबल क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो पहला क्या होता है ना, 010, फर्स्ट जो बिट होती है वो हमेशा 0101 01 में आती है। ओके, हमेशा जो फर्स्ट वाली मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होती है वो 0101 में आती है, ठीक है। सेकेंड वाले में 2 जीरो आते हैं, 0001, ठीक है, 0011, 0011, 0011, ठीक है। थर्ड वाली बिट में 3 बार 0 3 बार 1 आएगा, 3 बार 0 3 बार 1, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या कर रहे हो, आप टेबल क्रिएट कर रहे हो। अगर आपको 1 2 3 4 के कोड याद में रखने हैं, और फोर्थ बिट के लिए 4 बार 0 4 बार 1 आएंगे, ठीक है, 4 बार 0 4 बार 1, और फिर फाइनल फिफ्थ बिट के लिए 5 बार 0 5। इस पर्टिकुलर में ऑल्टरनेट 0101 की वैल्यू ना ऐसे चेंज होती रहती है, ठीक है। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे कि आपके पास क्या वैल्यू आ गई, इसकी तो आ गई 1, फाइन, यहाँ पे आपके पास 01 आ गई, 10 आ गई, तो ये 0, 1, 2, 3, 4, 5 की वैल्यूज क्रिएट हो सकती हैं, फाइन। अगर आपको ये पर्टिकुलर मेथड नहीं रखना है तो हम सिंपली क्या कर सकते हैं, कोई भी कोड है उसको सिंपली आप 2 से डिवाइड करो, और 2 से डिवाइड करने के बाद जो भी वैल्यू जनरेट हो रही है उससे तो कर ही सकते हैं, वो तो एक तरीका है ही। ओके, यस, तो ये एक फॉर्मेट है, फाइन। अब जो भी आपको नंबर दिया गया है, लाइक फॉर प्रीवी लाइक अनलाइक प्रीवियस केस, प्रीवियस केस में हमने क्या किया था, आपको नंबर प्रोवाइड किया गया था 1101010। अब इसको आप अगेन 4-4 बाइट्स के ग्रुप में ग्रुप करो, 4-4 बिट्स के ग्रुप में ग्रुपिंग कर ली, और उस ग्रुप का हेक्स कोड लिख लीजिए, ठीक है। सो दीज कैसे करेंगे, डिवाइड द बाइनरी इनटू ग्रुप्स ऑफ 4, स्टार्टिंग फ्रॉम द राइट फॉर इंटीजर पार्ट एंड स्टार्ट फ्रॉम द लेफ्ट फॉर फ्रैक्शन पार्ट, ठीक है। अगर आपका कोई भी, अच्छा, यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटीज हैं कि आपके पास जो नंबर है वो फ्रैक्शन पार्ट में, अगर 1101010, ठीक है, 0.01101 कुछ भी कोड है, ठीक है, तो आपको जो 4 बिट्स की ग्रुपिंग करनी है तो राइट साइड से इधर से करनी है ग्रुपिंग, यहाँ पे 0 नहीं था तो हमने 0 लिख दिया, ठीक है, और फ्रैक्शन के बाद में आपको लेफ्ट पार्ट से ग्रुपिंग करनी है, ये याद में रखना। फ्रैक्शन के अगर इस साइड चले गए तो राइट साइड से ग्रुपिंग करेंगे, और फ्रैक्शन के लेफ्ट साइड पे हम लेफ्ट साइड से ग्रुपिंग करेंगे। यहाँ से फ्रैक्शन के राइट साइड से ग्रुपिंग नहीं करनी है, फ्रैक्शन के राइट में लेफ्ट पार्ट से ग्रुपिंग करनी है। ओके, ग्रुपिंग करने, अगर ग्रुपिंग का आपने मेथड यूज कर रहे हो टू कन्वर्ट हेक्स कोड इनटू बाइनरी कोड, ओके, दिस इज सिंपल एल्गोरिथम। आपको ग्रुपिंग करनी है वो ईच हेक्साडेसिमल, अब देखो सिंपल रिप्लेस कर दो उसके हेक्साडेसिमल वैल्यू से, देखो सिंपल ये आपके पास वैल्यू है 1010, यस 1010010, ये आपके पास एक कोड है, इसको आपको किस में कन्वर्ट करना है, हेक्साडेसिमल में, फाइन। तो ग्रुपिंग प्रोवाइड करते हैं, यहाँ पे देखिए फ्रैक्शन पार्ट है क्या, कोई फ्रैक्शन पार्ट नहीं है, तो आपको जो भी पर्टिकुलर ग्रुपिंग करनी है वो कहाँ से करनी है, राइट साइड से। तो फर्स्ट नंबर आपका ये हो गया, सेकेंड नंबर की कोडिंग हमने करी 0110 को, फिर हमने को ग्रुप किया 1001010 को, और आपका सिर्फ ये 1 रह गया यहाँ पे, ठीक है। तो इसकी ग्रुपिंग के लिए हम 4 जीरो ऐड कर लेंगे, क्योंकि हमको इस 1 को भी रिप्रेजेंट तो करना ही है, ठीक है, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है ये आपकी। ये देखिए यहाँ पे ये जो नंबर है आपका, यही किया है हमने, तो एक ग्रुपिंग फर्स्ट राइट साइड से हमने ग्रुपिंग करना स्टार्ट किया, 1001 ये वाला पार्ट, ठीक है, फिर आपका आ गया 0110, फिर आ गया 0101,
देन आपका जो फर्स्ट बच रहा था इसकी पूरी ग्रुपिंग करने के लिए हमने 4 बिट्स में रिप्रेजेंट करना था हेक्स कोड, तो हमने इसकी पूरी ग्रुपिंग करने के लिए इसके 3 जीरो प्रोवाइड करवा दिए। फाइन, 3 जीरो प्रोवाइड कराते ही वॉट क्या बन जाएगा ये आपके पास, अब नंबर्स को सिंपल रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। ये आपके पास क्या है, 0001, 0001 नंबर है आपके पास, वन वैल्यू वन होता है, राइट, क्योंकि बाइनरी कोड ऑफ वन इज 01, राइट। तो हमने इसको 4 बिट्स में रिप्रेजेंट करने के लिए सिंपली दो दो बिट्स दो जीरो ऐड कर लिए, 0001 इज वन, ठीक है, तो हमने वन लिख दिया। फिर आता है 0101, 0101 इज 5, हमने 5 कर दिया, ग्रुपिंग के अकॉर्डिंग चल रहे हैं सिंपली 4-4 की ग्रुपिंग के अकॉर्डिंग। फिर आता है 0110, इसके ये होता है आपका 6, तो 6 कर दिया, एंड 1001 इज 9, दैट इज 9। तो ये आपका फाइनली जो ग्रुपिंग के अकॉर्डिंग नंबर हुआ वो आपका हेक्स कोड यहीं से डायरेक्ट भी जनरेट हो सकता है। आपको इसको बाइनरी में डेसिमल में कन्वर्ट करके बाइनरी में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट बाइनरी कोड को हेक्स कोड में कन्वर्ट कर सकते हैं, विच इज 1569। ओके, ठीक है, तो दिस वाज योर कन्वर्जन्स। फाइन, एक और कन्वर्जन है हमारे पास, ठीक है। इसके एग्जांपल मैं आपको पीडीएफ फाइल, अगर आप लोगों के पास है तो प्लीज प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि ये जब तक इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक क्लियर नहीं होगा। किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्लास से फिर हम लॉजिक गेट स्टार्ट करेंगे। नंबर सिस्टम आपके कंप्लीट हो गए हैं, हेक्साडेसिमल कन्वर्जन्स, पूरे ऑक्टल कन्वर्जन्स, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, डेसिमल ऑक्टल, ये हमने देख लिया है। नेक्स्ट क्लास से हम लॉजिक गेट स्टार्ट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच, सी यू ऑल इन नेक्स्ट क्लास, थैंक यू।